नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त कुशल मंगल होंगे। हमारे एक परम मित्र हैं कर्नाटक में, जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। उनका एक बहुत सीधा सा और अटपटा सा सवाल उन्होंने हमसे पूछा कि भगवान विष्णु से क्या लक्ष्मी जी कभी रुष्ट होकर के अपने धाम चली गई थीं, या फिर विष्णु भगवान ने कभी लक्ष्मी जी का अपमान किया था कि वो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को छोड़ करके चली गई, और भोले बाबा ने क्या कभी माता सती का अपमान किया था जो वो उनको छोड़कर चली गई, और पार्वती के रूप में उनको दोबारा प्राप्त हुई, और भगवान विष्णु को छोड़ने के बाद लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुई। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और भोले बाबा, जब प्रकृति द्वारा इन तीनों की रचना हुई, जिनको हम ओम कहते हैं, निराकार कहते हैं, निरंजन कहते हैं, या ओम शक्ति कहते हैं, या जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जो शक्ति है, जब इन्होंने इनको प्रकट किया, तो तीनों देवताओं को, तीनों देवी आदि शक्ति है जो, वो इन तीनों देवों के लिए सती, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, इनको देकर के इनको सृष्टि पालन का, सृष्टि रचना का और सृष्टि संहार का इनका अपना अपना कार्य सौंप दिया। अब एक संक्षेप आता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कि एक बार दैत्यों का और देवताओं का युद्ध हो जाता, भयानक हलाहल युद्ध। उस युद्ध में भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ राक्षसों का संहार करते हैं और राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद इतने जो विजय, बहुत ही विजयशाली जो राक्षस थे, उन पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु को और भोले बाबा को अहम हो जाता, अहंकार हो जाता है कि जो भी हैं हम सर्वशक्तिमान हैं, हमने, हमसे ऊपर कोई नहीं है। जब ये सर्वशक्तिमान का अहंकार उनको हो जाता है, तो लक्ष्मी जी और जो आदि शक्ति पार्वती जी थी, वो भगवान विष्णु और भोले बाबा को छोड़ करके चली जाती हैं। जब आदि शक्ति, उनके शरीर में शक्ति ही नहीं रही, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु एक ही हैं और पार्वती और भोले बाबा भी एक ही हैं, जब उनके शरीर में शक्ति नहीं रही तो शरीर मात्र शरीर रह गया, ना कि शक्तिशाली शरीर रह गया, ना उनके अंदर कोई शक्तियाँ रह गई, जिसके कारण भगवान विष्णु विचलित हो गए और भोले बाबा गए। ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय में वर्णन है एक जगह। अब वहाँ पर क्या होता, जब विष्णु भगवान और भोले बाबा जो अपने से ऊपर निरंकार या ओम या प्रकृति, उसकी आराधना करते हैं, और वो प्रसन्न होकर के आकाशवाणी होती है कि जाओ, तुमसे जो भूल तो हुई है, तुमने अहंकार किया है, तुम्हें उसका दंड दिया गया है, अब तुम्हें जो लक्ष्मी जी हैं वो समुद्र मंथन के समय प्राप्त होंगी, और जो सती हैं, जो देवी हैं, वो जो तुम्हें आदि शक्ति छोड़ करके चली गई हैं भोले बाबा से बोला, वो पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, तब तुमसे उनकी शादी होगी। ऐसा कहकर के आकाशवाणी शांत हो जाती है। अब समय व्यतीत होने के बाद में समुद्र मंथन होता है, जैसा कि आप सभी ने सुना है। तब वहाँ से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, जो विष्णु भगवान अपने साथ ले जाते हैं, और इस प्रकार से भोले बाबा की शादी भी पार्वती जी से होती है। अब मैं उस, जो हमारे कर्नाटक के परम मित्र हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि भगवान की जो कहानियाँ हैं, लीलाएँ हैं और कथाएँ हैं, वो एक नहीं है, अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसमें कहाँ पर क्या, किसने क्या कहा है, इसका जो विवरण है वो पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब नारद भगवान को, महर्षि नारद जी को
घमंड हो गया था, तो उनके घमंड को दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने एक माया की नगरी बनाई, जैसा आप सभी जानते हैं, और वहाँ पर एक स्वयंवर का आयोजित किया। जब विष्णु भगवान से नारद जी जाते हैं विष्णु भगवान के पास और अपना सुंदर सा रूप मांगते हैं कि हरि मुझे अपना रूप दीजिए, मैं वहाँ स्वयंवर में जाऊँगा, तब विष्णु भगवान उसको बंदर का चेहरा दे देते हैं, रूप दे देते हैं। तब वहाँ पर स्वयंवर में लक्ष्मी जी स्वयं वरमाला नारद को ना डाल करके विष्णु भगवान जी भी वेश बदल कर आए थे, विष्णु भगवान को वरमाला डालती हैं, तो लक्ष्मी जी वहाँ पर विष्णु भगवान के साथ में माला डालती हैं और शादी होती है। तो क्या इसका मतलब लक्ष्मी जी उस टाइम क्षीर सागर में नहीं थी जो वहाँ पर माया नगरी में थी? इसलिए ना तो भगवान विष्णु की एक कथा है और ना ही लक्ष्मी जी की भी एक कथा है, और ना ही ये एक बार ही इन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि इनका जो उत्पत्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश की श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ऐसा है कि विष्णु भगवान ब्रह्मा और शिव जी इनकी भी उत्पत्ति होती है और समाप्ति होती है, जो आदि शक्ति है वही एक रहती है हमेशा प्रलय के महाप्रलय के बाद भी। तो इसलिए भगवान विष्णु का भी एक बार उत्पत्ति नहीं हुई है, ना विष्णु भगवान की, ना भोले बाबा की, ना ब्रह्मदेव की, कई कई बार इनकी उत्पत्तियां हुई हैं और कई कई बार महाप्रलय हुई है, सृष्टि कई कई बार महाप्रलय में चली गई है। इसलिए इनकी एक ना तो एक कथा है और ना ही इनके एक एक रूप हैं, कई रूप हैं इनके, कई कथाएं हैं। इसलिए भगवान में संदेह नहीं करना चाहिए, और हमें, क्योंकि ज्ञानी के अंदर पाप भी हो सकता है लेकिन भक्त के अंदर नहीं, इसलिए हमें सिर्फ अपनी दृढ़ भक्ति पर और अपने विश्वास पर ही कायम रहना चाहिए, ना कि आलतू फालतू की बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ परमात्मा के नाम और भजन में ही ध्यान रखना चाहिए। जय राम जी की। नमस्कार मित्रों।